दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं खेल ढाबा और मैं हूं नवीन चंद्र मनोज। अभी हम मौजूद हैं इंस्टीट्यूट ऑफ मार्शल आर्ट पटना में, यह अशोक राजपथ के शालिग्राम कॉम्प्लेक्स में स्थित है। यहां मार्शल आर्ट के सारी विधाओं का ट्रेनिंग दिया जाता है। मार्शल आर्ट में कराटे, बुशू, किकबॉक्सिंग, जिमनास्टिक आदि सारी चीज़ों की ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ से ट्रेनिंग लेकर बहुत सारे खिलाड़ियों ने नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक मेडल जीता है। पहले मैं आपको दिखाता हूँ कैसे यहाँ ट्रेनिंग दी जा रही है। तो आइए चलिए देखते हैं पहले कैसे ट्रेनिंग दी जाती है। कुछ आगे आ जाओ, हेलो, छोटे बच्चे हैं, बॉडी को हाइट में करना होता है, सबका पेट में भर रहा है। चलो आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे प्रॉपर डिस्टेंस में, आखिरी बोलिए प्रॉपर डिस्टेंस, आप वहाँ जाओ, आप इधर आओ, चलो एक साथ नीचे एकेडमी का संचालन पंकज कामली करते हैं, जो खुद भी मार्शल आर्ट के बड़े बड़े खिलाड़ी रह चुके हैं, बहुत सारे मेडल जीते हैं, वो संचालक के रूप में काम करते हैं। कोच वगैरह हैं जो ट्रेनिंग देते हैं। सुबह शाम दो सत्र में यहाँ ट्रेनिंग दी जाती है। अभी कराटे की ट्रेनिंग दी जा रही है। लोग यहाँ फिट होने के लिए भी आते हैं। मार्शल आर्ट बहुत ही ज़रूरी है, लड़का हो या लड़की, सबों के लिए मार्शल आर्ट आवश्यक है। अपनी सुरक्षा के लिए आप मार्शल आर्ट का सीख लें, ताकि आपको कहीं कुछ दिक्कत नहीं हो, कभी किसी से पंगा लेना हो तो आप ले सकते हैं। अब हम चलते हैं, बात करते हैं इस एकेडमी के संचालक पंकज कामली से, उनसे जानना चाहते हैं कि कैसे कैसे इस एकेडमी का संचालन कर रहे हैं। तो आइए पंकज कामली से बात करते हैं कि इस एकेडमी के बारे में, ये जो मार्शल आर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ मार्शल आर्ट है उसके बारे में विस्तार पूर्वक बताएंगे कैसे इसको इन्होंने शुरू किया, क्या क्या परेशानियां आई। कोरोना काल में बहुत सारी परेशानियों को झेलना पड़ा। पंकज जी थोड़ा इसके सर, मैं मार्शल आर्ट के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि अभी तो देख ही रहे, लॉकडाउन में क्लास लगभग 3 साल से बंद था, अभी ओपन हुआ है 7 तारीख से, तो बच्चे लोग आना स्टार्ट किए हैं, दर्जियों लोग भेजना स्टार्ट कर रहे हैं धीरे धीरे। और यहाँ टाइमिंग है ट्रेनिंग का, सुबह में 3 बजे चलता है, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, और इवनिंग में है भी 3 बजे, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, अभी 6 बजे चल रहा है बैच। चलो सीनियर मॉर्निंग में सीनियर लोग करते हैं और इवनिंग में जूनियर सीनियर दोनों करते हैं। और अभी आप देख रहे हैं अभी सीनियर कोच अभिजीत कुमार सिंह ट्रेनिंग दे रहे हैं,
कब से ये आपने इस इंस्टीट्यूट की स्थापना की, क्यों की, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे? इंस्टीट्यूट यहाँ 2013 में स्टार्ट किए थे, 16 जनवरी 2013 यहाँ इसलिए स्टार्ट किए कि पहले मैं स्कूल के कैंपस में ट्रेनिंग देता था, उसमें बच्चे लोग अच्छा कर रहे थे मगर नेशनल में मेडल नहीं आ पा रहा था, क्योंकि नेशनल में मेडल, नेशनल में जो मैच होता है वो देखे मैट देख रहे होंगे, ये रबड़ मैट पे होता था और हम लोग के बिहार में रबड़ मैट नहीं था और एसी में मैच होता था, उसमें बच्चे लोग यहाँ जमीन में प्रैक्टिस करते थे, बच्चे लोग का टाइम ही नहीं मिला, वहाँ जाके बच्चे लोग हार जाते थे, यहाँ प्रैक्टिस कितनों करते थे वहाँ हार जाते थे, तो इसलिए एक क्लब हम सोचे कि नहीं कि क्लब खोलेंगे जिसमें रबड़ मैट रहेगा, जो भी इंटरनेशनल में सुविधा चैंपियन खिलाड़ी लोग को मिलता है वो चीज़ यहाँ हम देंगे तब बच्चे लोग मेडल लाएंगे, तो यहाँ हम एसी वगैरह लगाए और मैट रबड़ मैट लाए, अभी एसी आप लोग देखो अभी हट गया होगा क्योंकि लॉकडाउन में एसी हटा दिए थे, क्योंकि एसी का बिल लगभग 25-30 हज़ार बिल आता था इसलिए हटा दिए थे, क्योंकि लॉकडाउन में 3 साल बहुत नुकसान हुआ था। कितने खिलाड़ी अभी तक आपके यहाँ से मेडल जीत चुके हैं नेशनल और इंटरनेशनल? उनके बारे में बताएंगे। इंटरनेशनल लमसम कम से कम 10 या 12 स्टूडेंट इंटरनेशनल मेडलिस्ट है यहाँ के स्टूडेंट, और नेशनल में लगभग एवरी ईयर 20 या 22 बच्चे नेशनल में मेडल देते हैं। आगे क्या क्या प्लान है इस एकेडमी को, इस इंस्टीट्यूट को आगे और कितना विस्तार करेंगे आप, क्या सुविधाएं और प्लेयर को देंगे? आगे प्लान है सर 2025 तक एक अपना कराटे स्टेडियम बनाने का, मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है शुरू से, मतलब जब भी हम स्टार्ट किए थे इस फील्ड में आने का सोचे कि अपना कराटे स्टेडियम होना चाहिए, जबकि बच्चे लोग उसमें जैसे हम लोग मैच कराते हैं तो यहाँ पटना में एक स्टेडियम है तो हम लोग मैच का पूरे साल का शेड्यूल नहीं बना पाते हैं, उसमें दिक्कत होती है, इसलिए मेरा ड्रीम है कि एक अपना स्टेडियम बनाए जिसमें बच्चे लोग एक साल का पूरा ये सब मैच का बना हो, शेड्यूल बना हो कि कब कब मैच कब होगा, तो उससे बच्चे लोग और ईजी होगा प्रैक्टिस करेगी, इस मैच मालूम रहेगा कि हमको डिस्ट्रिक्ट कब है, स्टेट कब है, जोनल कब मैच है, उसके बाद इंटरनेशनल कब मैच है, ये सब बच्चे लोग मालूम होते हैं, उसमें और बच्चे ज़्यादा अच्छा करें, खिलाड़ी लोग ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है और 2025 तक विश्वास है कि हम कर लेंगे। आपने सुना पंकज कांबळे जी को, अब हम चलते हैं इस एकेडमी के इंस्टीट्यूट के जो कोच हैं उनसे बात करते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं कोच अभिजीत सिंह से जो यहाँ पर ट्रेनिंग देते हैं। जी नमस्कार। क्या क्या शेड्यूल है सर ट्रेनिंग आप देते हैं, क्या क्या परेशानियाँ आती है, कैसे ट्रेनिंग देते हैं, क्यों ज़रूरी है मार्शल आर्ट, इसके बारे में थोड़ा विस्तार? आज के युग में मार्शल आर्ट लड़कियों के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जो भी माता पिता अपने बच्चियों को डांस सिखाते हैं, सिलाई सिखाते हैं, तो बच्चियाँ ये खुद टीवी देख के सीख सकती है, लेकिन मार्शल आर्ट ऐसी विद्या है जो बिना गुरु के सिखाया नहीं जाता है। तो इस बार एक वर्चुअल मीटिंग हुआ था पेरेंट्स टीचर मीटिंग में आईपीएस किरण बेदी के साथ, उन्होंने स्पेशली पेरेंट्स से रिक्वेस्ट किया था कि अपनी बेटियों को सिलाई मत सिखाओ, कराटे मत पढ़ा, ये डांस मत सिखाओ, वो टीवी देख के सीख लेंगे, लेकिन कराटे जरूर सिखाओ, क्योंकि आपकी बच्चियां अगर कराटे नहीं सीखेंगी तो सेफ नहीं रहेंगी, आप कहाँ कहाँ उनके साथ चलेंगे, इसीलिए हमने कराटे में एक ही विद्या दिया है कि जो बच्चे कराटे सीखेंगे मम्मी पापा उनके सारे रिलेटिव्स उनके साथ चलेंगे। हमने एक इसमें किया है, थोड़ा सा आप मेरे हाथ पर गौर करेंगे, कराटे में हमने हाथ को मम्मी बताया है, जब भी कोई किसी को स्टिक से अटैक करेगा तो मम्मी को बुलाएंगे, मम्मी डिफेंस कर लेंगे, जब एक दो पर्सन और आ जाएंगे तो वो उनको पापा को बुलाना पड़ेगा, तो आप मेरे पैर की तरफ दिखाएंगे, ये कोई दिक्कत नहीं चलेगा, ये पैर की संज्ञा हमने पापा को दिया है कि पापा स्ट्रांग होते हैं, जब भी कोई आएंगे तो पापा को बुलाना हो तो उस समय है, तो इस तरह अब आ जाइए फेस पे, तो इस तरह हम लोग कराटे जब भी सीखेंगे तो हैंड हमारे मदर और लेग हमारे फादर हमेशा हमारे साथ रहेंगे और हम लोग निडर होके पढ़ाई कर सकेंगे, निडर होके कहीं भी जा सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सर। अब कुछ बच्चों से हम बात करते हैं, आपका क्या नाम हुआ? कुश भाटिया।
अच्छा, कब से सीख रहे हैं आप कराटे? मैं पिछले 1.5 मंथ से। अच्छा, पढ़ाई और कराटे में कोई दिक्कत नहीं होती है? होमवर्क वगैरह बनाना फिर कराटे सीखना सब रात को हो जाता है? हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है? नहीं। मम्मी पापा कुछ नहीं बोलते हैं कि कराटे क्यों सीखने क्यों जा रहे हो? नहीं। चलिए धन्यवाद, और आगे हम बात और प्रशिक्षकों से बात करेंगे। आप लोग आ जाइए, सबको यहीं पे आ जाइए ना। ये सीनियर प्लेयर हैं, क्या नाम हुआ आपका? निशांत किशोर नाम। अच्छा, कब से सीख रहे हैं कराटे? 2018 सीख रहे हैं। अच्छा अच्छा, मेडल वगैरह जीते हैं अभी तक कि नहीं? हाँ सर, वो डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पे सर ही कराते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, वही मतलब वही फाइट किए हैं, तो उसमें ब्रॉन्ज मेडल आया था और एक में सिल्वर मेडल आया था। अच्छा, आगे क्या करना है? और सर मार्शल आर्ट्स हमको अच्छा लगता है। अच्छा, तो क्यों अच्छा लगता है, कारण क्या है? सर फिजिकल एक्टिविटी बचपन से हम ज़्यादा करते आए हैं। जी जी, मतलब स्टडी से ज़्यादा। जी जी, तो हमको इसलिए सीखना है, ये आर्ट ये कला अच्छा लगता है इसलिए सीखना है। चलिए अच्छी बात। सर आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम अभिनव कुमार है। अच्छा, मैं एक डेटा साइंटिस्ट हूँ, मैं जॉब करता हूँ। अच्छा अच्छा, और अभी इस न्यू ईयर ही मैंने एडमिशन लिया। अच्छा, और मैंने स्टार्ट कराया। ऑफिस और कराटे में कोई कभी ऑफिस में वर्क ज़्यादा हो गया तो कैसे आप आते होंगे? वो मैनेज हो जाता है, कभी अच्छा। कभी वो होता है तो हम लोग नाइट में एक्सटेंड कर लेते हैं। आपका नाम क्या हुआ बाबू? रायन मुखर्जी मेरा नाम है। अच्छा, कब से सीख रहे हैं कराटे? मैं अक्टूबर से सीख रहा हूँ। अच्छा अच्छा, और मुझे यहाँ पर अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ का फिजिकल एक्टिविटीज़ और सब कुछ यहाँ बहुत अच्छा है और अच्छा मेरी सूटेबल है। अच्छा, पढ़ते कहाँ आप हैं? सर डॉन बॉस्को अकेडमी। अच्छा अच्छा, और मुझे कराटे और पढ़ाई में कोई मतलब दोनों सेम है, और ऐसा नहीं है कि जब ज़्यादा पढ़ाई के लिए कराटे छोड़ना पड़े, ऐसा कुछ नहीं है, सब सेम है मेरे लिए। और मुझे और यहाँ मेरे टीचर पंकज सर, अभी सर, दो उनसे मुझे सीखने अच्छा लगता है, और सर मुझे मोटिवेट करते हैं मुझको कि आगे बढ़ने के लिए। और भी मुझे जैसे मैं अभी तो फाइट नहीं किया हूँ, बट मुझे फाइट में मन है, तो अगला जब करेंगे तो हम लोग मैं ज़रूर जाऊँगा। चलिए, मेडल जीतिए, आप बताइएगा। मेरा नाम रौन मुखर्जी है। अच्छा, मैं डॉन बॉस्को में पढ़ता हूँ। अच्छा, कब से सीख रहे हैं कराटे आप? अक्टूबर से। अच्छा अच्छा, यहाँ का मुझे सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, और फाइटिंग करने में और बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो पंकज सर और अभिजीत सर दोनों बहुत अच्छे सर हैं, और हम लोग को बहुत अच्छे तरह से सिखाते हैं। एवरी डे ठीक से एक्सरसाइज होता है, बहुत कुछ सब कुछ मतलब ठीक ठीक चलता है। चलिए बढ़िया, आपका क्या नाम? खुशी। अच्छा, आप भी पढ़ाई करती हैं? अच्छा, कहाँ पढ़ रही हैं अभी? वुमेंस कॉलेज, पटना वुमेंस कॉलेज। किस बीकॉम डिपार्टमेंट। अच्छा, कब से सीख रही हैं कराटे? अराउंड 2 मंथ्स। 2 मंथ्स। अच्छा, अभी मैंने कैसे आए, मैंने इतना दिन के बाद कराटे सीखने आई, इसके पीछे क्या? एज सच सेल्फ डिफेंस तो ज़रूरी है, या एज अ गर्ल बताने की जरूरत नहीं। पहले ख्याल नहीं आया? वक्त नहीं था। अच्छा अच्छा, थोड़ा रिलीफ मिला कॉलेज से। चलिए, मेरा नाम वीरेंद्र कुमार है। अच्छा, मैं यहाँ 6 मंथ सीखने के लिए आया हूँ। अच्छा अच्छा, और जॉब का तैयारी? अभी जॉब में है। नहीं, तैयारी कर रहे हैं SSC का। अच्छा अच्छा, क्या लेके मोटो आए हैं यहाँ? बॉडी फिटनेस के लिए। अच्छा अच्छा, सेल्फ डिफेंस के लिए। अच्छा अच्छा, और बॉडी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। चलिए भाई, अच्छी तो बात। क्या नाम हुआ बाबू? मेरा नाम विशाखा कुमारी है। अच्छा, कब से कराटे सीख रहे हैं? 4 साल से। अच्छा, मेडल वगैरह जीती हैं अभी? हाँ, 30 से ऊपर हो गया। 30 मेडल हो गया? 30 से ऊपर। अच्छा अच्छा, कहाँ कहाँ जीती हैं थोड़ा बताएंगे? रांची में जीते हैं। अच्छा। बिहार में बहुत सारा जीत चुके हैं। अच्छा अच्छा, यूपी में जीत चुके हैं, गाजियाबाद गए हैं, और हरियाणा कुरुक्षेत्र। नेशनल है कि सारा? नेशनल भी है, इंटरनेशनल भी है, स्टेट लेवल भी है, डिस्ट्रिक्ट लेवल भी है। चोट लगने का डर नहीं रहता है? कराटे सीख रहे हैं, हाथ पर टूट गया तो फिर? नहीं, ऐसा बात नहीं है, सेल्फ डिफेंस के लिए भी अच्छा है। और अगर हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए किट्स आते हैं, वो किट पहन के हम लोग सब चीज़ करते हैं, जिससे चोट नहीं लगता है। चलिए बढ़िया, आप लोग भी कराटे सीखती हैं? अच्छा, ये ज्वाइन किए हैं? ये दोनों न्यू। अच्छा, कब से सीख रही हैं आप? आज से। अच्छा, आज ही से।
क्यों आई कराटे सीखने के लिए? मम्मी पापा बोले कि अपने से चल दिए? नहीं, अपने से। अच्छा, कोई दोस्त सीखते थे तब कि वो सीख रहे हैं तो हम भी चले सीखने के लिए? नहीं, मेरे भैया सब सीखते थे। अच्छा, सीखते हैं। कहाँ पढ़ाई करती हैं? टी रजा। ये इसमें कि खजांची रोड वाले में, ये जो बी एम दास रोड में है उसमें? अच्छा अच्छा, किस क्लास में पढ़ती हैं? चलिए, बढ़िया से सीखिए। आप भी आज ही आई हैं? लास्ट अगस्त से सीख रहे हैं। अच्छा, तो क्यों आई कराटे सीखने के लिए? क्योंकि मतलब मैं 10th में हूँ, तो मुझे लगता है कि जितना हमें पढ़ाई के लिए मेंटली स्ट्रांग होना जरूरी है, उतना ही फिजिकली भी बहुत जरूरी है। जब तक हम लोग फिजिकली स्ट्रांग नहीं होंगे तब तक हम लोग मेंटली कभी नहीं हो पाएंगे। 10th का एग्ज़ाम देना है इस बार कि अगले साल देना है? इसी बार देना है। एग्ज़ाम और ये दोनों में मेंटेन करके चलना पड़ता है। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी इन सबको मेंटेन नहीं करेंगे तो आगे तो और भी। अभी किसी इवेंट में भाग ली है कि नहीं आप? हाँ, सर ऑर्गेनाइज कराए थे तो उसमें लिए हैं। क्या मेडल वगैरह आया? हाँ, गोल्ड मेडल आया था। चलिए, यहाँ है। अभी सीखी हैं? आज ही से। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम खुशी। अच्छा अच्छा, कब से? मैंने आज से ज्वाइनिंग की है। काफ़ी पढ़ती हैं वही टीचर चला। अच्छा, चलिए बढ़िया है, आगे सीखिए और अच्छा रहेगा। आपका नाम क्या? ओम प्रकाश कुमार। अच्छा, कब आप कब से आ रहे हैं? 2015 से आ रहा हूँ। अच्छा, मेडल वगैरह जीते होंगे अभी तक? जी, 6 टाइम स्टेट गोल्ड मेडलिस्ट। अच्छा, 49 यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट नेशनल में 2022 में। अच्छा, इंटरनेशनल में भी। आप क्यों आए कराटे में? पहले बहुत सारे गेम थे आप सीख सकते थे, कराटे को क्यों चुना? पहले हम आए थे बॉडी फिटनेस के लिए। अच्छा अच्छा, सर जब बताएं कि यहाँ पे तुम इसमें कैरियर भी बना सकते हो, तो फिर मेरा पढ़ने में उतना मतलब एवरेज स्टूडेंट है हम, तो फिर हम अपना इसमें मेरे को बहुत इंटरेस्ट लगने लगा, फिर हम इसी को मतलब अपना मतलब पैसन और मतलब इसी को अपना हॉबी बना लिया। अभी क्या पढ़ाई कर रहे हैं? हम पार्ट टू में हैं। चलिए बढ़िया। सर आपका नाम क्या हुआ? आशुतोष। कब से सीख रहे हैं कराटे? सर मुझे लगभग 1.5 साल हो गया। अच्छा, कराटे क्यों सीखना शुरू किया आपने? मैंने स्टार्ट किया था एज अ मैंने फिटनेस के लिए और मुझे इंटरेस्ट भी था इसमें, तो धीरे 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 इंटरेस्ट बढ़ते गया और गेम्स वेम्स जैसे स्टेट लेवल ये सब में मैंने खेला तो अच्छा परफॉर्मेंस हुआ, तो सर ने काफ़ी हेल्प किया। मेडल वगैरह जीते हैं? जी, मेडल जीते हैं मैंने, स्टेट में सिल्वर आया मुझे स्टेट चैम्पियनशिप में। अच्छा अच्छा, और नेशनल वगैरह में? नेशनल में अभी सिलेक्शन नहीं हुआ है, बट आगे मैच खेल चुके हैं आसाम ओपन नेशनल ये सब, हरियाणा में ऑल इंडिया कराटे विनर्स कप। मेहनत कर रहे हैं? जी बिल्कुल। चलिए, हमारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। आप लोग थोड़ा बताएंगे कराटे के बारे में, जो भी हो बोलिए। कराटे क्यों सीखना शुरू किया आपने? शुरू से ही ब्रूस ली की फिल्म और भी कई लोगों की फिल्म मार्शल आर्टिस्ट की देखते आ रहा था, तो एक उत्सुकता जागी थी मुझे भी कराटे सीखना चाहिए। अच्छा अच्छा, इसलिए मैंने कराटे ज्वाइन किया। कितना देर अभ्यास करते हैं अभी? कितना देर? हाँ, यहाँ पर हर रोज़ लगभग 2.5 से 3 घंटे हर रोज़ यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा अच्छा, मेडल वगैरह है अभी कि नहीं जीते हैं अभी? डिस्ट्रिक्ट और स्टेट में मेरा मेडल है। अच्छा, स्टेट में मेरा गोल्ड मेडल है। अच्छा अच्छा, ओपन स्टेट में मेरा गोल्ड मेडल है और डिस्ट्रिक्ट SGFI के डिस्ट्रिक्ट में ब्रॉन्ज। बढ़िया, थैंक यू। क्या नाम, कस के बोलिए? अच्छा, मेरा क्लास 8 में पढ़ती हूँ, फिर मैं सुबह शाम में 2 चपातीस करना चाहिए। अच्छा अच्छा, मेरे पास कोई प्राइस नहीं मिला, इसलिए मैं 2 चपातीस में प्रैक्टिस करना और चैम्पियन में चलना चाहिए, तो चैम्पियन में कुछ ऐसी चीज कर पहले चैम्पियन चाहने के पहले ऐसी चीज करना चाहिए, चुनाव ऐसी चीज तो मेडल वगैरह जीते हैं अभी तक कि नहीं? इतने में जा रहा था मैं कल मेरे चैनल चले गए और चलिए। ओके सर, आप अपने बच्चों को चाहे जो भी हैं उनको भेजते हैं ट्रेनिंग के लिए, क्यों किस उद्देश्य से यहाँ भेजा है आपने? उद्देश्य एक ही है, उसको ताकतवर बनाना, इतना कि वो अपने पैर पे खड़े हो। अच्छा, कब से भेज रहे हैं? पढ़ाई लिखाई में दिक्कत नहीं होती है बच्चों को?
नहीं, पढ़ाई लिखाई में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है और इससे इसका आत्मविश्वास और बढ़ जाता है। बढ़िया। सर आप बताएंगे, आप अपने बच्चों को यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए भेज रहे हैं, किस उद्देश्य से? फिटनेस के लिए, मेडल जीतने के लिए? पढ़ाई में दिक्कत, कल होकर नंबर कमाने लगा तो फिर क्या आप कहेंगे कि पढ़ाई छोड़ दो? नहीं सर, मैं इसलिए लाया बच्चों को जी जी कि स्कूल बंद होने की वजह से बच्चे जो थे बिल्कुल टीवी और मोबाइल से चिपक के रह गए थे। अच्छा। कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं, तो मैं यहाँ आया। मेरे भतीजा और मेरा भांजा ऑलरेडी यहाँ करता था, तो मुझे यहाँ पता चला। फिर मैं यहाँ का एनवायरनमेंट देखा, सब कुछ देखने के बाद यहाँ जो टीचर हैं, पंकज कांबली सर हैं, बलबीर जी हैं, एक और सर हैं, बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट है और यहाँ कोई डर भय नहीं है। तो मुझे लगा कि बच्चों को यहाँ लाना चाहिए ताकि वो टीवी से, मोबाइल की दुनिया से बाहर आए और उनको जब ये खेल जो है सर, स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स के आने से इनको कॉन्फिडेंस आएगा इनके अंदर और उनकी चुस्ती फुर्ती भी बढ़ेगी। क्योंकि आज का माहौल ऐसा है कि कब पार्क बंद हो जाए, जू बंद हो जाता है, मतलब बच्चों को हम बाहर लेके नहीं जा पाते हैं। एक घंटा अगर मेरा बच्चा यहाँ पे आएगा तो उसकी फिटनेस भी अच्छी रहेगी, कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई होगा और पढ़ाई में भी मन लगेगा। मैं इस सोच के साथ सर यहाँ पे आया। शुक्रिया। मैम आप बोल देंगे, आपका बेटा दो बच्चे हैं यहाँ पे, दोनों बेटे। अच्छा अच्छा। मैं खुद टीचर हूँ। अच्छा। और सर को मैं बहुत साल से जानती हूँ, तो हमेशा से मन था कि जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो उनके पास आएंगे। तो अभी एक साल से कर रहे हैं। आई एम वेरी वेरी हैप्पी। यहाँ के एटमोसफेयर तो खैर बहुत अच्छा है ही। एक्स्ट्राकरिकुलर एक्टिविटीज डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिकल फिटनेस इंपॉर्टेंट है और खास करके कि बच्चे इसमें अच्छी चीज़ में ऑक्यूपाइड है माइंड। मेरे बच्चे बहुत इंटरेस्टेड हैं। आई एम एक्सट्रीमली सेटिस्फाइड। थैंक यू। तो आपने जाना इंस्टीट्यूट ऑफ मार्शल आर्ट के बारे में। यहाँ मार्शल आर्ट की सारी विधाओं की ट्रेनिंग दी जाती है। इस इंस्टीट्यूट का डिटेल्स, कॉन्टैक्ट नंबर, लोकेशन सारा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह लेकर आप इंस्टीट्यूट में संपर्क कर सकते हैं और आप भी अपने बच्चों को यहाँ भेजकर आत्मनिर्भर बनाएं। सुरक्षा से बचाने के लिए, आत्म सुरक्षा के लिए मार्शल आर्ट ज़रूरी है। ऐसा ही वीडियो, ऐसी ही जानकारियाँ हम आपको आगे भी लाते रहेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कर लेंगे। धन्यवाद।